गया था। अच्छा, इसके बाप के खबर पे गया था अब्बा जान के, अंत उधर से आया उसके पीछे। साईं बोल, इसमें जो जादू करके तेको ला के छोड़े कृष्ण का कहना, इकबाल के आंग में तेको छोड़े तो इकबाल को कई में मिला के खिला के जादू करे थे। कौन सा खाना था वो? चावल दाल बिरयानी तारी रोटी क्या थी? क्या पता, बोल जल्दी। क्या पता इकबाल का क्या लिए थे जादू करते टाइम पे? क्या पता। अच्छा तेको इतना पुराना है तो उसके ऊपर भूल गया तू कमीने, झूठे बात कर रहा। जकड़ो उसको और तेजी से उसके हाथा काट के लेंगे। ले लू दोनों हाथा काट के? ये ना ना ना, मैं काट के बाहर टांग देता ना दोनों भी हाथा हो। तू सता रहा, परेशान कर दे रहा है बिला वजह लोगों को, इसके घर में भी तकलीफ दे रहा था क्या? हाँ बोल जल्दी। हाँ गलती हो गई थी। सबको परेशान कर रहा था। हाँ अब नहीं करूंगा। क्या इस घर में से मारो बोले थे क्या एक दो जनों की लाशा निकालो बोले थे? नहीं। अच्छा इसको भी मार के ले जाने का था साथ में, लेके चल जाने का था इसको? अब अच्छा जो पूछा उसका जवाब तू करेगा अच्छा, वो नहीं तो लेके कब जाने वाला था इसको मार के? अम्मास में पूनम में पता नहीं। हाँ पता नहीं, जादूगर ने बोला बोलो मत बोला, कसमा डाला तेको तोड़ू तेरे हाथ काट के बाहर टांग दो दोनों। ना हाँ अब नहीं करूंगा। क्या क्या परेशान कर रहा था उन्हें आंग में बैठ के? और बहुत परेशान कर रहा था वो। क्या मायना भाई से तीन वक्त होगा तीसरे बार हो। तकलीफ क्या हो रही थी पूछा मैं तुम्हें, क्या क्या फजे क्या कर रहा था उन्हें? पेट दुख रहा था। हाँ और ये कहता मेरा सिर दुख रहा। ये सब घर को परेशान करता है। और इसका पेट और इसका सिर तूज दुखा रहा था क्या अंदर बैठ के? जल्दी बोल, टाइम नहीं मेरे पास। नहीं तू दुखा रहा था तेको बोले थे उसका सिर दुखा पेट दुखा बोल के? सही सही बयान कर जल्दी। नहीं हाँ क्या पूछा मैं जवाब, क्यों दुखा रहा था उसका पेट? वो शराब बहुत पी रहा था। अच्छा इन्हें अंदर बैठ के शराब भी पी रहा था उसके? और तू बहुत शराब पी रहा था, हद से ज्यादा शराब पी रहा था। कितने दिन से, कितने महीनों से? ये चार महीने से वो शराब पी रहा, ये अंदर बैठे वाला कर रहा था ये मन मानिया। शराब भी पीता रहे तू कमीने? हाँ हमारे वाला इंसान है जिन्नात है, किसकी नस्ल से? अब नहीं करेगा, अब तू नहीं करेगा वो सवाल नहीं है। सवाल ये है कि तूने क्या क्या तकलीफ आ दिया वो बोल जल्दी, टाइम नहीं मेरे पास, मैं पूरा काट के भस्म कर दूंगा जल्दी। उसके अम्मी को भी मार रहा था वो परेशान, और घर में भी मार के झगड़ लगा रहा था, घर के सामान ले जाके बेच रहा था। और उसके अंदर बैठ बैठ के दाल रहा फिर मजे मजे से ना कमीने। अब नामखूल बदबाश नहीं करूंगा, अब नहीं करूंगा, नहीं करूंगा। जोर से अल्टा के तो पकड़। अब नहीं करूंगा अल्टा के, अब नहीं करूंगा जोर से, अब नहीं करूंगा जोर से, अब नहीं करूंगा और जोर से, अब नहीं करूंगा जोर से, अब नहीं करूंगा। टिंगा अंदर बैठ के दारू? अब नहीं टिंगा दारू, नहीं करेगा, लड़ाई लगेगा बिल्कुल नहीं। उसका लड़की का भी क्या है? लड़की का मसला? नहीं नहीं झूठ बात है, अभी सब झूठ बात नहीं, वो बात नहीं, वो अलग है कि तुझे उधर भी नहीं, अभी सब अभी वो बात नहीं। ठीक है चलो, वो पेशेंट को लाना था उसको, उसके ऊपर क्या है चेक कर देते हैं, इन्हें है क्या दूसरा है कौन है इसके साथियां हैं कि क्या है, सब मालूम होता। चल तो बाकर जल्दी तो बात हो, अल्डा के चीख मार के तो बात हो, मुंह पे हाथ मार दोनों वो तो बात हो, जोर से तो बात हो, बात हो, बात हो, और जोर से तो बात हो, बात हो, बात हो, दो हाथ चीख मार जोर से तोबा बोल के, तोबा 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 तोबा। चल छोड़ के निकल उसके अंदर से बाहर, चल भाग पानी पिलाओ।
कैमरे वाले इधर से ग्लास लो उठा के इधर ग्लास में पानी है वो ग्लास में गिलास दिख रहा नहीं है पियो पानी खोलो ढक्कन ये पानी सुबह शाम या 5 टाइम भी हर नमाज के बाद पिलाना और हर नमाज के बाद में 7 बार रतल कुर्सी 7-7 बार चारों खोल पढ़ के दम करना और ये पानी सुबह शाम 2-3 टाइम ज्यादा से ज्यादा मुंह में मारना घर में छिनकना सब तरफ स्प्रे करना ठीक है। ये जो पेशेंट है इनको लेकर आए इनकी जो दास्तान है अलग अलग रहती सब ये जो है इनको कोई दारू के अंदर कुछ मिला के पिला दिया था अब वो उन्हें अभी बयान नहीं कर रहा हूँ चालबाजी करके बताने की कोशिश कर रहा हूँ मगर मेरे सामने कोई चालबाजी नहीं चलती मेरे सब मालूम है बस और मैं उसकी जबानी बयान करने लगा था क्या है क्या दास्तान है कहाँ से आया क्यों आया वो बोल रहा है कि वो खबरस्तान गया था वहां से उसके पीछे वो आया अंदर आके बैठ गया उसके पेट में दर्द कर रहा उसके सर में दर्द कर रहा पेशेंट के और उसको नशे की लत की तरफ लगा दिया बार बार नशे करने ले जा रहा दारू पिला रहा लूटने लगा रहा इतना परेशान कर दिया माँ को भी मारने लगा रहा उसके बाद बर्ताना घर में बेच के दारू पियो कहीं नहीं भी रहा पैसे तो लेके जा रहा घर में जैसे पैसे तमाशे करके पिला रहा था कौन कर रहा था लोग तो यही समझ रहे होंगे हर कोई ये समझ रहा था कि ये कौन कर रहा है ये सब हरकतें लोग समझ रहे थे कि पेशेंट कर रहा हूँ ये शख्स कर रहा हूँ क्या नाम है उनका इकबाल कर रहा हूँ ऐसा सब सोच रहे होंगे लेकिन देखे अंदर क्या दास्तान रहती क्या मसले रहते क्योंकि तुमको जो दिखता वो ही समझता और जो नहीं दिखता वो तुम नहीं जान सकते और नहीं उसको भाप सकते क्योंकि तुम उसको मानते ही नहीं ना जो नहीं दिखा तो तुम बोलते है ही नहीं वो और ऐसा थोड़ी है कि हर चीज है तुमने जमीन का आखिरी हिस्सा नहीं देखा तो क्या वो नहीं है क्या तुम दूसरा आसमान नहीं देखे इसके ऊपर की गैलेक्सी तो क्या वो नहीं है क्या जो तुमने नहीं देखी जापान और चीन को तुम गए नहीं तुमको वीजा नहीं मिला तो क्या वो नक्शे में नहीं है क्या दुनिया के क्या वो वहां पर देश मौजूद नहीं है क्या तो ऐसी बातें हैं बहुत सारे दास्तान हैं जब इंसान की सोच और दिल दिमाग की खास बात है वो जो चीज को देखते तो ही हरकत करके फिर मानते फिर जब तक नहीं मानते कि 50% यकीन आता 50% नहीं आता क्योंकि लोग तो ये सोच रहे होंगे कि अंदर कुछ है क्या नहीं कि ये खुद ही दिल से कर रहा क्या है कि लेकिन ये अंदर बैठे वाला इसको दारू पिला रहा था ले जाकर और इसको भगा रहा धिनाने कर रहा परेशानियां कर रहा यहाँ पर भी लेके आए तो बाहर रुक रहा नहीं था वो बाहर भाग जा रहा था क्या चल रहा था बाहर कितने बार भागा अभी सुबह में मेरे आने से पहले वो पेशेंट भाग गया उन्हें अंदर बैठे वाले भगा के लेके चलेगा क्यों भगा के लग गया वो बुराई करता मेरे बारे में वो क्या बोलता इंसान से मेरी क्या दुश्मनी शैतान और जिन्नात क्या करते कि उनको यहाँ मार पड़ती तो उन्होंने इंसान की जबान पकड़ के बोलते कि नहीं नहीं यहाँ कहीं को लेके जा रहे हैं यहाँ कुछ नहीं होता चलो भागो बोल के एक तो पेशेंट को भगा के ले जाते और पेशेंट को नहीं भगा के नहीं जम रहा उनको दूसरे के अंग में जाते और जाके बुराई करते बोलते अरे नहीं कहीं को कर रहे ऐसे कहीं इलाज रहते क्या ऐसा कहीं होता क्या धुआं पानी से कुछ होता क्या पढ़ने से कुछ होता ऐसे ये बातें कौन करता जिसको मार पड़ने वाली रहती जिसको यहाँ से डर है उन्हें करता शैतान और शैतान के साथी और उसके बच्चे वो रोवा करते बातें अल्लाह वालों के दर को बुरा बोलते बहुत सारे बातें अल्लाह कहने सुनने से सब अमल करने की तौफीक अता फरमाए और बार बार मैं यही बोलता कि इबादत की राह और नमाज अल्लाह और उसके रसूल की रस्सी को मजबूती से थामो मोमिन बंदो अल्लाह ने मोमिन बंदो पर कैसे इनामात रखा अहदिना सिरातुल मुस्तकीम की राह पर चलो वो राह पर चलने वालों पर कैसे कैसे इनामात रखा अल्लाह ने तुमको बता दिया फबियाय्यि रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान और तुम लोगों खुदा की कौन कौन सी नियामतों को झुठलाओगे अल्लाह ने तुम्हारा सेहत दिया दुनिया में हर चीज दिया उसके साथ साथ तुम बोलेंगे कि हमारे दौलत नहीं है जिसके दौलत नहीं दौलत को गोली मारो तो सबसे बड़ी चीज तुम्हारे सेहत दिया आला औलाद दिया बीबी बच्चे दिया जीने के लिए क्या बोलते तो कितने सारे चीजें उगाया खाने के लिए तुमको ये ऑक्सीजन हर चीज तुम बाल से बारी जितनी तुम तहकीक करेंगे उतना तुम गहराई में डूबते जाएंगे इतने इनामात अल्लाह ने तुम्हारे ऊपर रखा और आखिरत में भी इनामात का वादा किया कि तुम अगर दुनिया में अच्छे अमाल करके जाएंगे तो तुम्हारी खबरों को भी कुशायदा करने का वादा किया अल्लाह ने जन्नतुल फिरदौस में जगह देने का वादा किया और ये भी बताता अल्लाह कि तुम अगर गुनहगारी करेंगे बदकारी करेंगे हदीस कुरान पे नहीं चलेंगे अल्लाह रसूल को नहीं मानेंगे वली अल्लाह के शान में गुस्ताखियां करेंगे तो यकीनन फिर तुम्हारे वास्ते नहर जहन्नुम बना के रखा अल्लाह फिर जहन्नुम के गढ़ों में उसमें तुम्हारा ढकल दिया जाएगा फिर इतना खतरनाक आलम है जहन्नुम का कि मैं क्या बयान करूं जहन्नुम की आग इंसान कैसा तपिश बर्दाश्त कर सकेगा जहन्नुम के आग को सुई का नाका जो रहता क्या उतनी सी आग लाके अगर दुनिया के बीचों बीच टांग दिया जाता तो उसके तपिश से पूरी दुनिया जल के राख हो जाती थी पूरी तो बताओ
कितनी खतरनाक आग होगी वो, हजारों साल तक दहकाएगा जहन्नुम के आग को तो लाल हुई, कई हजारों साल तक दहकाएगा तो सफेद हुई, कई हजारों साल तक दहकाएगा तो जहन्नुम की आग अंधेरी रात की तरह है। और गुनेगार बंदो तुम ये भी सुनो कि तुमको जहन्नुम के अंदर ऐसा ही नहीं ढकल दिया जाएगा, खदेड़ दिया जाएगा, जाओ बकरियां भेड़ियां कैसे एक साथ मिला के कोण दिया जाता वैसा कोण आने जाएगा, तुम्हारे महल दिया जाएगा वहां, अल्लाह रहमान और रहीम है, जहन्नुम में भी तुमको महल देगा, मगर वो आग का महल रहेगा, संदूक देगा कपड़े रखने वो भी आग का संदूक रहेगा, कपड़े भी उसके अंदर आग के बने वाले रहेंगे, महल में हर चीज रहेंगी लेकिन सब आग की बने वाली रहेंगी। तुम समझ रहे हो भेड़ और बकरियों को कैसा एक साथ कोंड दिया जाता शटर में, दुकान के अंदर फाटक बंद कर देते शटर गिरा देते, वो ऐसा नहीं, महल देगा, महल को जगह रहेंगी, स्पेस रहेंगी, हर चीज रहेंगी, मगर सब आग का बने आला रहेगा। और जन्नतियों को जन्नत अदा में वैसा आलम, और जन्नत में क्या है, सूरज नहीं रहेगा जन्नत में, जन्नत का मौसम कैसा रहेगा, सुबह सादिक का मौसम देखे क्या लोगो, फजर की नमाज हो जाने के बाद जो सुबह सादिक का टाइम चलता सेम वैसा आलम रहेगा जन्नत का, ना तुम्हारे ज्यादा ठंड लगेंगी, ना तुम्हारे ज्यादा गर्मी लगेंगी, ना सूरज की किरणें तुम्हारे परेशान करेंगी, ना कोई नहीं, इतना सुहाना इतना अच्छा मौसम बोलते रहेगा, सुबह सादिक का जो देखते हो वैसा आलम रहेगा जन्नत का। जन्नत में कभी रात नहीं होंगी, अंधेरा नहीं रहेगा, और जन्नत में कोई ख्वाहिश नाम की चीज बाकी नहीं रहेगी, हर ख्वाहिश पूरी नहीं, मुंह से निकलते ही तुम्हारा सब पूरा हो जाएगा मामला। तो इसलिए जन्नत के हकदार बनो, नेक बनो और एक बनो, मनमानिया करेंगे, एक दूसरे पे जादू टोने करेंगे और ऐसे हरकतें करेंगे, ये इन्हें बोल रहा अंदर बैठ के मैं खुद बो खुद आया, मगर उसका बापों का बाप हूं, मेरे को सब मालूम है, उसको कैसा ला के छोड़े क्या छोड़े मैं मेरी जबानी नहीं पूछा था, वक्त आने पर उसको जब कमजोर करेंगे जंजीरें डाल के उसको मार के जब भस्म करने का टाइम है जब पूरा पूछा दूंगा कौन डाले थे क्यों डाले थे क्या नाम है वो लोगों के। तुम जादू कर रहे आंख मूछ कर और तुम समझ रहे कि बंद मुट्ठी का राज बंद रहेगा, एक मिनट में राज खोल दूंगा यार, क्यों करे कौन करा क्या नाम था किस वजह से करा, खाली शर्त है कि तुम्हारी लड़ने की नियत नहीं रहना, तुम शर फैलाने की नियत रही तो फिर मैं नाम नहीं बताता, क्योंकि शर फैलाने से मना करे अल्लाह। इसलिए बहुत सारे बातें हैं, अल्लाह कहने सुनने से ज्यादा सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए, नेक राह पर चलो, एक बनो और नेक बनो, चाहे हिंदू हो क्या मुसलमान हो क्या सिख हो क्या ईसाई हो, जिसके भी घर में परेशानी घुस गई तो उसको पूछो कि फिर परेशानी क्या रहती, उसको सोने देते नहीं, खाने देते नहीं, चैन से रहने देते नहीं, जीने देते नहीं, दिल दिमाग उनका आलम जो अंदर था जो भी दास्तान थी जिसने भी जादू करा, अब उन्होंने तो पूरी तरह भी पढ़ा है लोगो, ए अकल के अंदो, उन्होंने तो पूरी तरह भी पढ़ा है, अभी बोल रहे हो कुर्सी पे बैठ के पढ़ाया मैं उठ नहीं आ रहा था मुझे ये सब सता रहे थे, तो फिर उनका निकल के क्यों नहीं गया, वैसा नहीं रहता, अल्लाह ने चुने वाली दास्तान रहते, अल्लाह ने दिया गद्दियां रहते, अल्लाह जिनको गद्दियां देता जिनको चुनता और जिनको बनाता तो उस हिसाब से निजाम चला के उनके थ्रू उनके हाथ से फैज पहुंचाता दुनिया को, खुद अल्लाह जमीन पे आके फैज नहीं पहुंचाता, जमीन पर अल्लाह अगर रहेगा तो उसकी शान के खिलाफ है, और जमीन ये रूए जमीन और गैलेक्सियों की कोई औकात नहीं उसके नूर को बर्दाश्त नहीं कर सकते, क्योंकि सूरज की तपिशों को सूरज की किरणों को बर्दाश्त नहीं कर सकते, वो लाखों करोड़ों कितने लाख करोड़ दूर मीटर होने के बावजूद भी उसकी किरणों को बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो उसको बनाने वाले को कहां से बर्दाश्त करेंगे, अकल के अंदो उन्हें कैसा जमीन पेगा, उन्हें आने से पहले तो सब जल के राख हो जाएगा ना उसके, तो उन खुद चुनकर अपने बंदों के हाथ से फायज पहुंचाता। पढ़ो जरा कुरान, तुम्हारे तोते के जैसा रटने के वास्ते नहीं दिया, लिए समझ कर पढ़ो, तफसीरों के साथ पढ़ो, मायनों के साथ पढ़ो, तो तुमको समझ में आएगा, हदीसें पढ़ने का मामूल बनाओ घर के अंदर। अरे लोगों तुम्हारे बच्चों को तुम स्कूलों में डाल रहे, क्वालिफाइड करा रहे, नौकरियां चढ़ा रहे, इंजीनियर बना रहे, शर्म करो तुम्हारे पे, तुम्हारे खबर का आजाब कितना खतरनाक बना रहे तुम, कि अगर तुम्हारे बच्चे को दीन की तालीम नहीं दे रहे तुम तो। मैं एक बार एक क्लिप आई थी वो देख रहा था, उसके अंदर कौन बनेगा करोड़पति के अंदर एक शख्स को मुसलमान के लड़के को वो पूछता सवालदार का ऑप्शन कि इसमें से कौन पैगंबर नहीं है, क्या मूसा पैगंबर नहीं है, क्या जिब्रील पैगंबर नहीं है, ऐसे तीन पैगंबर के और एक जिब्रील का नाम जिब्रील अमीन का बता दे, तो वो शख्स लाइफलाइन यूज करता और बाद में हर के निकल जाता बाहर, तो यानी कि उसको जिब्रील अमीन कौन है ये तक नहीं मालूम, इसमें से कौन पैगंबर है और कौन पैगंबर नहीं ये तक पता नहीं, इतना तुम इल्म नहीं रख सक रहे, तुम्हारे बच्चों को इल्म नहीं दे रहे, इतना क्वालिफाइड बना रहे कौन बनेगा करोड़पति तक जा रहा जितने के वास्ते दुनियाई तालीम दे रहे, और जहां दीन की तालीम की बात आ रही तो वहां पहली सीढ़ी स्टार्ट होने से पहले ही उन्हें हर जा रहा,
पहले सवाल का जवाब देने से पहले कितना बुरा आलम होगा उसके माँ बाप के साथ में सुलूक खबर के अंदर, क्या ये तालीम दे के आए थे? बोलेंगे दुनिया की, तुमने दुनिया की तालीम दो, फर्ज है दुनिया की भी तालीम देना, उसके साथ साथ आखिरत की भी तालीम देना है। हदीस, कुरान, अल्लाह, रसूल, अल्लाह ने क्या फरमाया, रसूल अल्लाह का क्या फरमान है, हदीस से क्या है, कैसा अमल करना है, घर के अंदर एक मामूल बनाओ, सब पढ़ो तो ये सब बबाओं से, बलाओं से, जादू टोनों से, इन सबसे अल्लाह फिर तुमको महफूज रखेगा। नहीं तो किसी का कुछ नहीं जाता बेटे, जो ना मांगे सीख फिर वो दर दर मांगे भीख। और घर के अंदर एक मामूल बनाओ कि रात में बाप का काम रहता, एक औरत जब जहन्नुम में जाएंगी तो उसके साथ चार मर्द खींच के जहन्नुम में लेंगी, बोलेंगी या अल्लाह मुझे जहन्नुम में डाल रहा, मैंने तो गलती करी थी, ठीक है, मगर वो गलती भी मेरे बाप ने जब मैं पैदा हुई थी तो मेरे को बोला नहीं ना, एक बेटे गलती है, ये नहीं करना, ये शरीयत माना करी नहीं सिखाया, उसको डाल जहन्नुम में, फिर ठीक है उसको भी डाल दो जहन्नुम में, उन्होंने क्यों नहीं सिखाया। फिर बाद में बोलेंगे अल्लाह ठहर जा मेरे मालिक, बाद में मेरे शोहर के निकाह में दिए थे तो उन्होंने भी नहीं सिखाया ना मेरे को दीन हदीस कुरान अमल करना नमाज पढ़ना, नहीं बोला उन्होंने, हां नहीं बोला तो उसको भी डाल दो जहन्नुम में, ठीक है उस ठहरो डरो बोलेंगे। फिर अब क्या है, तो अब मेरे बेटे ने भी नहीं बोला ना मुझे, बेटा जब बड़ा तो बेटे ने भी ऐसा बोला, तो ऐसा करके चारों को भी खींच के जहन्नुम में ले जाके डालेंगे। इस वास्ते तुम्हारे पे फर्ज है औरतों को, घर के माँ बहन बेटियों को दीन की तालीम देना, एक तालीम का मामूल बनाओ घर के अंदर, हदीस कुरान पढ़ो, एक हदीस रोज सुनाया करो, एक वाकया सुनाओ, 5 मिनट लगेंगे सुनाने के लिए, मगर तुम्हारा अल बच्चे, तुम्हारी औलाद, तुम्हारी नस्लें ऐसी मजबूत हो जाएंगी कयामत तक के वास्ते कि जिसकी हद नहीं, और तुम्हारे खबर में सवाब जारिया मिलता रहेगा तुमको। और गुनहगारियां सिखा के देंगे, नाच गाने सिखेंगे, मोबाइल चलाना सिखेंगे, इंटरनेट लगा के वो चलाना सिखेंगे, तो फिर तुमको आजाब मिलेगा। मगर तुम दीन की भी तो चीजें सिखाओ ना उस पर, तो बेहतर रहेगा। बहुत सारी बातें कहने सुनने से ज्यादा सबको अमल करने की तौफीक दे। ये सब बातें मैं इसलिए बताता कि मैं नहीं बताऊंगा तो कौन बताएगा, मुझ पर तुमको बताना वाजिब है, और इसलिए मैं तुमको बताता, डायरेक्ट प्रैक्टिकल में बताता, मैं सामने लाकर कोई कहानी और कोई किस्सा किताब का नहीं सुनाता, और कोई अनगढ़ कहानी और कोई क्या बोलते तो ऐसी मनगढ़ बातें नहीं सुनाता मैं तुम्हारे को, और कोई अंधविश्वास और अंधविश्वास की भी बातें नहीं सुनाता मैं तुम्हारे को। अंधविश्वास वो रहता जो आंख बंद करे वाले बातें तुम्हारे सुना रहा हूं, यानी कि तुमने नहीं देखे खाली कहानी किस्से, उसको अंधविश्वास बोलते। और ये देखो सामने, इसको लाइव बोलते, ये लाइव जो भी है तुम्हारे आंखों के सामने, तुम्हारे सामने बयान करा रहे, तुम्हारे सामने पुजा रहे, समझ में आया, तो इसको लाइव बोलते। और जो भी है दास्तान, अल्लाह कहने सुनने से ज्यादा सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। कहाँ से आए थे? कहाँ था वो? कहाँ था? भूसावल जलगांव। भूसावल जलगांव पर।